हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों के लिए नोटिस निकाल दिया है जिन्होंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था और आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। अर्लियर जब आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ था तो अर्लियर तो उन्होंने ये बात बोली थी कि हम सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेंगे, लेकिन फिर जब प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हुई तो उसमें आईपी यूनिवर्सिटी ने बात क्लियर कर दी कि नहीं जी, हम एडमिशन जो है अपने आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई सीट्स बचती हैं तो हम सीयूटी कैंडिडेट को कंसिडर करेंगे, चाहे वो सीयूटी यूजी की बात हो या फिर पीजी की बात हो। तो अब आईपी यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाल दिया है कि जो वैकेंट सीट्स हैं आईपी सेट के बाद, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हमने सीट फिलअप करी है, उसके बाद जो बची हुई सीट्स हैं उनको हम फुलफ़िल करेंगे सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर। और कोर्सेज कौन कौन से हैं वो बता दिए कि भाई कौन कौन से कोर्सेज में हम ये सीयूटी का स्कोर कंसिडर करेंगे। इसमें आपके सामने लिस्ट है, एमएससी के कुछ कोर्सेज हैं, एमएड है, एमटेक है, बीटेक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी है, इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स है, 4 साल वाला प्रोग्राम है, और इसके अलावा एमसीए है, एमए है, एमपीटी है, एमए इंग्लिश है, बीसीए है, बीएससी योगा है, बीएड है। जी हाँ, बीएड के भी काफ़ी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, बट हो सकता है आपने आईपी सेट नहीं दिया हो, सीयूटी पीजी दिया हो तो आप बीएड के लिए एलिजिबल रहोगे। पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, बीबीए है, और बीए जर्नलिज्म है, बीए होटल मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है यानी बीकॉम ऑनर्स है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी है, मास्टर्स ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स है, एमए इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे कोर्स है, बीए इंग्लिश ऑनर्स 3 ईयर प्रोग्राम भी यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, और 3 कोर्सेज हैं, एमएससी योगा, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमटेक। तो इन 29 प्रोग्राम में आईपी यूनिवर्सिटी अब सीयूटी के थ्रू अपनी जो वैकेंट सीट्स हैं वो फुलफ़िल करेंगी। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा गया है यहाँ पर, इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट फर्दर डिटेल रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑप्शनल लैंग्वेज जनरल टेस्ट एटसेट्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा फॉर एडमिशन टू द अबव प्रोग्राम शॉल बी नोटिफाइड ऑन 29th अगस्त। इसका मतलब ये है कि ये भी जो ऊपर प्रोग्राम है इसके अंदर किस डोमेन के थ्रू एडमिशन लिए जाएंगे, किस लैंग्वेज, किस सेक्शन के थ्रू एडमिशन लिए जाएंगे, और एक्चुअल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, इन सब की जानकारी 29 अगस्त को बताई जाएगी। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिगार्डिंग एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू सीयूटी स्कोर, ठीक है। और आप अभी फ़िलहाल 29 अगस्त तक का वेट कीजिए, और जिन बच्चों ने होपफुली आईपी में रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया था उनको भी रजिस्ट्रेशन पहले करवाया जाएगा, उसके बाद ही ये सारा जो काउंसलिंग प्रोसीजर है सीयूटी के थ्रू ये सब चलेगा। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप 29 अगस्त तक का वेट कीजिए। थैंक यू।